रियलमी। रियलमी की तरफ से रियलमी GT सीरीज है वो अगले महीने फर्स्ट वीक में इंडिया के अंदर आ सकती है, क्योंकि एक कंफर्म लीक से मालूम पड़ा है, मतलब एक लीकस्टर को रिप्लाई करते हुए रियलमी के जो चाइना के CEO है उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि शायद रियलमी के जो थर्ड एनिवर्सरी होने वाले, मतलब इंडिया के अंदर रियलमी के जो बेसिक ऑपरेशंस थे, मतलब सबसे पहले जो है 4 मई 2018 को चालू हुआ था, तो शायद 4 मई 2021 इस दिन पे रियलमी GT सीरीज जो है वो इंडिया में आ सकते हैं। और इसमें रियलमी GT ये जो फ़ोन है ये आएगा नहीं आएगा इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन रियलमी GT न्यू ये जो फ़ोन आने वाला है ये तो कन्फर्म मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन के बारे में बहुत सारे ऐसे लीक्स है, इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हो गया, बहुत सारे लीक्सटर कहे कि ये भी फ़ोन जो है ये आने वाला है। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले कि रियलमी GT न्यू ये जो फ़ोन है क्यों खास होने वाला है, इस फ़ोन में ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो कि इस फ़ोन को इंडिया में लाने वाली, तो देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या खास चीज़ें आने वाली। तो सबसे पहले बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो इस फ़ोन में 6.43 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, लेकिन उससे भी खास है इसकी पीक ब्राइटनेस जो है वो 1200 निट्स तक है, और इसी के साथ इसका टच सैम्पलिंग रेट जो है वो 360 हर्ट्ज तक रहने वाला है, मतलब गेमिंग वगैरह आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा भी लैग या फिर शटर लैग जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट साथ ही साथ 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये इस डिस्प्ले को बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, मतलब डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब बात करते हैं लुक्स की, तो इसमें भी डेयर टू लिव ये जो ब्रांडिंग है बहुत ही छोटे अक्षरों में दिखाई देने वाली, बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही। और इस फ़ोन के चिपसेट की अगर बात करूँ तो इस फ़ोन में डायमेंसिटी 1200 एक नया चिपसेट आने वाला है, और इस चिपसेट की परफॉर्मेंस कंपेयर करते क्वालकॉम के चिपसेट के साथ तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 ये जो चिपसेट है वैसे ही इस चिपसेट की परफॉर्मेंस है, मतलब ये जो चिपसेट है ये 8 सीरीज का जो नया चिपसेट है 870 उसके जैसे परफॉर्मेंस दे सकता है, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हाई या फिर बहुत ज़्यादा लो नहीं, हाँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 इसके जैसे हाई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 865 से ऊपर परफॉर्मेंस जो वो देने वाला है। और अगर कैमरास की बात करूँ तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखने वाला है, जिसके अंदर मेन सेंसर जो है वो सोनी का IMX682 ये सेंसर रहने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आने वाला है, और इसका जो मेन कैमरा सेंसर है उससे आप 4K रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, सेल्फी सेंसर से आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मेन सेंसर है उससे 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग चीज़ लगती है, मतलब बहुत सारे फ़ोन्स में यही चीज़ें आ रही है रियलमी की तरफ से, अलग जो चीज़ें वो नहीं दिखाई दे रही, कैमरा जो वो सेम ही आने वाले हैं। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है, 4500 mAh की बैटरी बैकअप, लेकिन 50W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आने वाला है। और इस फ़ोन में एक खास बात दिखाई दे रही कि इस फ़ोन में 3.5mm जैक जो है वो आने वाला है, पिक्चर्स बहुत सारे निकल के आए चाइना के अंदर जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ तो इसमें 3.5mm जैक था, तो इंडिया में भी ये फ़ोन 3.5mm जैक लेके आ सकता है। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जनरली अभी ऐसे होगा कि जो भी फ़ोन 20-25 हज़ार के ऊपर आते हैं उनमें 3.5mm जैक मिसिंग दिखता है, लेकिन इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम तो है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है। अब देखना होगा इंडिया में जब आएगा तो ट्रिपल स्लिम स्लॉट आता है या फिर हाइब्रिड ही रखता है रियलमी। और सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा और रियलमी UI 2.0 इसका सपोर्ट जो है वो आने वाला है। और रैम और स्टोरेज की बात करूँ तो 6128, 8128 और 12 256 GB स्टोरेज ये तीनों वेरियंट चाइना के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, इंडिया में 6128 और 8128 ये दोनों तो कन्फर्म आने वाले हैं। और इनकी अगर बात करूँ तो LPDDR4X रैम आने वाले, साथ ही साथ UFS 3.10 ये जो सपोर्ट है ये दिखने वाला है इस फोन के अंदर। और सेंसर्स की बात करूँ तो जो नॉर्मल फोन्स में आता है एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास, साथ ही साथ वाइड वन L1 का भी सपोर्ट आने वाला है, और शायद HDR10 के सपोर्ट के साथ भी आ सकता है ये फोन। तो मतलब डिस्प्ले हो, बाकी की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अच्छी आने वाली है इस फोन की। अब ये तो सारी चीज़ें अच्छी जान ली हमने, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्राइस क्या होगी इस फ़ोन की। तो प्राइस के मामले में कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे कि शायद 30,000 के नीचे ये फ़ोन आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे 870 चिपसेट के साथ आने वाले फ़ोन जो है वो 30,000 से 35,000 के रेंज में इंडिया में अगले कुछ महीनों में हमें दिख सकते हैं। तो शायद उन्हें कॉम्पिटिशन देने के लिए रियलमी की तरफ से एग्रेसिव प्राइस पर ये फ़ोन जो है अंडर 30,000 आ सकता है। तो देखना होगा रियलमी की तरफ से अगले महीने जब ये फ़ोन लॉन्च होगा
तो क्या ये फोन अंडर 30,000 आता है या फिर उससे ज़्यादा प्राइस पे आता है? और इसके साथ इसका बड़ा भाई रियलमी GT, ये फोन रियलमी की तरफ से आता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।